45 साल की उम्र के हैं, उनको 2 हफ्ते में लगा देंगे। कितनों को लगा? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर 1.5 करोड़ डोसेस पर डे नवंबर दिसंबर में आपने, 40 करोड़ डोसेस पर मंथ में आपने प्रोड्यूस करना था, तो फिर आपने अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोसेस अक्टूबर 2021 में क्यों लगाए? यानी यह भी आपकी झूठ कि हमने बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की आपने? उनको कोई वैक्सीन नहीं है, आपने नहीं किया। बताइए क्या पॉलिसी है आपके पास? खामोशी है, सन्नाटा है। सर ये सरकार की नाकामी है। भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती। सर मैं आपके जरिए से हुकूमत से जानना चाहूंगा कि ये तो हुकूमत की बड़ी एक्सपर्टीज उनमें है कि लॉकडाउन कर देंगे फौरन, एक्सपोर्ट बैन कर देंगे, ट्रैवल बैन कर देंगे, सब बैन करेंगे, मगर मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपने क्या किया अभी तक? अगस्त 2021 तक सर सिर्फ 0.2 सैंपल सीक्वेंस हुए हैं और आज कर्नाटका से 2 लोगों को ये न्यू वेरिएंट हुआ है, तो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? आप सिर्फ 0.2 अब तक किए हैं सर, और यही अनप्रिपेयर्डनेस, यही गफलत, जिसको उर्दू में कहते हैं ख्वाबे गफलत, की वजह से सेकेंड वेव आई, जो जिम्मेदारी पूरी आप पर आयद होती है। अगर आप गाफिल नहीं होते, अगर आप जागते रहते तो सेकेंड वेव नहीं आती। दूसरी बात सर कि 28 मई को उस वक्त के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, आज हमारे हाउस में नहीं, उन्होंने ये कहा था सरकार की तरफ से कि पूरे भारत में अडल्ट को दिसंबर 2021 तक डबल वैक्सीनेशन लग जाएगा। आज कोविन पोर्टल पर आप देख लीजिए 33% लोगों को फुली वैक्सीनेटेड हैं, और जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट रिजो जॉन का कहना है कि 43% ऑफ 45+ यानी 45 साल से कम उम्र की आबादी के लोगों का भी वैक्सीनेशन होना बाकी है। अब आपका टारगेट क्या है? आपने तो मार्च 31, 2021 को कह दिया था कि जो 45 साल की उम्र के हैं उनको 2 हफ्ते में लगा देंगे। कितनों को लगा? तीसरा मेरा सवाल हुकूमत से यह है कि आपने कहा था, सरकार ने, मोदी सरकार ने कहा था कि यह सरकार 2.15 बिलियन एडिशनल डोसेस को मैन्युफैक्चर करेगी अगस्त दिसंबर 2021 में। बाद में कहा गया नहीं नहीं वो एस्पिरेशनल है, उसको रिड्यूस कर दिया गया 1.35 बिलियन पर। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर 1.5 करोड़ डोसेस पर डे नवंबर दिसंबर में आपने, 40 करोड़ डोसेस पर मंथ में आपने प्रोड्यूस करना था, तो फिर आपने अब तक सिर्फ 16 करोड़ डोसेस अक्टूबर 2021 में क्यों लगाए? यानी यह भी आपकी झूठ, जो आप कहते हैं उसके टोटल खिलाफ आप काम करते हैं। आप सरकार यह बता दे कि पूरे भारत में पूरों को 2 डोज कब तक लगेगा? क्या यह सच नहीं है कि 2022 के जून तक आप डोज लगाएंगे? पांचवा सवाल यह है कि हमने बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की आपने? उनको कोई वैक्सीन नहीं है, आपने नहीं किया। बताइए क्या पॉलिसी आपके पास? खामोशी है, सन्नाटा है। सर हमने अपने हेल्थ वर्कर्स को, डॉक्टर्स को जो सेकेंड डोज दिया, 7 महीने हो गए, आप उनके लिए बूस्टर शॉट देंगे नहीं देंगे? पीडियाट्रिक्स का वार्ड आपने कैसे स्ट्रेंथन किया बताइए? आज कर्नाटका के जो 2 लोगों को यह नया वेरिएंट हुआ है, क्या सरकार बताएगी कि उनको 2 डोज लग चुके थे? 2 डोज लगे थे उनको, आप छुपा रहे हैं बात को। तो बूस्टर शॉट कब देंगे पूरे देश में आप? अभी तक जून में पूरी आबादी को 2 वैक्सीन लगेंगे, तो बूस्टर शॉट आप देंगे नहीं देंगे? हमारे हेल्थ वर्कर्स को सवाल जवाब दे। सर दूसरा, इनकी गलती बता रहा हूं सरकार की, 25% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर ने कितने अब तक लगाए? प्राइवेट सेक्टर ने 25% में खाली 9% किया है। और मैं यहां पर तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि मैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानता हूं, यह हाउस सॉवरिन है, मगर अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछता तो आप तो 50% दे देते थे। सुप्रीम कोर्ट की वजह से आपको कम करना पड़ा, मगर उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में यह हुआ। अच्छा सर, एक स्टडी हुई अतुल ठाकुर रीमा नगराजन की, जिसने कहा गया कि भारत की जनता, अंग्रेजी में पढ़ने चाह रहा हूं, कि अबाउट 1/5 ऑफ द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन और अबाउट 5,000 करोड़ हैज बीन बोर्न बाय पीपल आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट्स और बाय द एम्प्लॉइज। व्हाट इज दिस क्लेम ऑफ फ्री वैक्सीन्स? दिस इज द स्टडी ऑफ अतुल ठाकुर एंड रीमा नगराजन। सर अनदर पॉइंट ऑफ वेयर कोर्ट इंटरवीन, had the court not intervened and asked about vaccines, you are giving credit to Modi, Mr. Modi, the Prime Minister. But when did you order the vaccines?
Did you order the vaccines in 2020, July, August? You ordered vaccines in January 2021. You are the main cause of more than 40 lakh people dying in India. That is the real reason. You can give claims and all the praises to the Prime Minister. This is the fact, sir. When did you order vaccines to Covishield and Covaxin? Your time will come, please. You can respond to it. You can respond. Clear. अच्छा, another sir, और एक बात. आयुष्मान भारत. बहुत बाजा बाजा आयुष्मान भारत का. RTI का एप्लीकेशन है कि आयुष्मान भारत में पूरे झारखंड में सिर्फ 1,419 लोगों ने इस्तेमाल किया. मध्य प्रदेश में 1.15% ट्रीटमेंट हुआ. फाइंडिंग्स आई के जो आयुष्मान भारत में एनरोल होता है, डायग्नोसिस के लिए पैसे, मेडिसिन के लिए पैसे, प्री हॉस्पिटल पैसे. ये EPWD की स्टडी है झारखंड के लिए. उत्तर प्रदेश 21 करोड़ का प्रदेश, कितने लोगों को आयुष्मान भारत PMJY मिला सर? 875 पीपल. मुबारक हो आपको. बिहार में सिर्फ 19 पीपल. RTI एप्लीकेशन ओहो नहीं है, हाँ हाँ है, ये सच्चाई है. अच्छा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने PMJY को 6,400 करोड़ 2021-22 में दिया, रिवाइज एस्टिमेट्स में रिड्यूस कर दिया 3,200 करोड़. ये आपकी तैयारी है, आपने रिड्यूस कर दिया उसको, और आप पूरा बाजा बजा रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्या क्या करेंगे नहीं मालूम. अच्छा सर, सिरिंज मैन्युफैक्चरिंग कहीं की गलती देखिए. सिरिंज मैन्युफैक्चर से उन्होंने आपसे पूछा कि क्या हम कन्वेंशन सिरिंज बनाए या एंटी ऑटो डिस्पोजेबल. आपके पास जनवरी 2021 को आए थे मैन्युफैक्चर, आप जुलाई में ऑर्डर देते और अक्टूबर में आपको बैन लगाना पड़ा. ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार सो नहीं रही थी. अच्छा सर, API का कितना डाटा आप दे सकते हैं देश को बताइए. 24-29,000 करोड़ का API चीन से आता है. आपने क्या तैयारी की बता दीजिए API के बारे में, आपके पास कोई डाटा नहीं है इंडिजिनियस. अच्छा सर, कोविड टेस्टिंग की वजह से सर आपको बता रहा हूं कि हमारे देश में 20,000 लोग टीबी से मर गए, क्योंकि खाली कोविड टेस्टिंग हो रही. उसके लिए आपने क्या तैयारी की, कैंसर के पेशेंट, ये सब चीजों के ऊपर आपके पास कोई जवाब. सर्जिकल इक्विपमेंट सर, सर्जिकल इक्विपमेंट गवर्नमेंट क्या पॉलिसी है सर्जिकल इक्विपमेंट की आपके. हाँ सर, गिव मी 2 मिनट, आई एम कंक्लूडिंग सर. सर्जिकल इक्विपमेंट सर, गवर्नमेंट क्या करने वाली है सर्जिकल इक्विपमेंट के लिए. इंडस्ट्री को आज भी लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री सेल सर्टिफिकेट नहीं मिलता. इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरों को आप क्या कर रहे हैं सर ये. और फिर से कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे इम्तियाज जलील MP ने PIL फाइल किया औरंगाबाद में. और PIL फाइल किया कि महाराष्ट्र में डॉक्टर्स, नर्सेस क्लास 3 और 4 की वैकेंसी खुद पर्सनली अपियर हुए, तो कोर्ट ने उसको कन्वर्ट कर दिया पूरे महाराष्ट्र के लिए. सर पूरा का पूरा तो कोर्ट ने काम किया, सरकार ने क्या किया. अगर आप हरकत में रहते तो यकीन जानिए भारत में 40 लाख लोगों की मौत नहीं होती. आपकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुबारकबाद दे दी नरेंद्र मोदी को कि हम ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में हरा दिए, कोविड को हरा दिए. तो इसीलिए सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मेरा मानना है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है. सर आखिरी बात, उत्तर प्रदेश में नजारे तो बहुत देखे दुनिया में कि पानी पर लाशें तीर रही हैं, नदी के किनारे कुत्ते लाशों खा रहे हैं, और आप मुबारकबाद दे रहे हैं. सर ये सरकार की नाकामी है. भारत में सेकेंड वेव नहीं आती थी अगर नरेंद्र मोदी की सरकार होशियार रहती, आंख खोलती. बच्चों को बूस्टर शॉट दीजिए, डॉक्टर्स को दीजिए, पूरे देश को दीजिए. शुक्रिया सर. इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन.